ये देखिए दाल का आज पकवान बनाने जा रही हूँ रेसिपी। ये देखिए चने का दाल ली हूँ 250 ग्राम, और ये 50 ग्राम मसूर का दाल है। तो दाल का रेसिपी दिखा रही हूँ, इसको सीटी मारने के लिए कुकर में लेते हैं। उसमें एक अखा टमाटर ले रही हूँ, और एक छोटा साइज का मीडियम साइज का एक कांदा, और एक ये अखा वाला इलायची, और 3 लौंग, और एक तेज पत्ते तोड़ के दिए। देखिए छोटा चम्मच पे एक चम्मच हल्दी पाउडर, वो पकने के लिए स्वाद अनुसार नमक। सो पानी ऐड करेंगे दोस्तों, पानी इतना देंगे कि दाल डूबना चाहिए। ये देखिए दाल भरपूर हो गया, डूब गया है। अभी इसको कुकर में रख के 4-5 सीटी लंबे से लगा लेते हैं। ये देखिए दोस्तों कुकर बिठा दिए हैं गैस पे, अभी इसको 4-5 सीटी लेने के बाद बंद करेंगे। दोस्तों मैं लहसुन भूल गया था, 3 कली लहसुन दे दिया मैं। ये देखिए दोस्तों एक टमाटर ली हूँ मैं, सॉरी 2 टमाटर ली हूँ मीडियम साइज का। इसको पीस के ग्राइंडर बना लेंगे, तब से दाल में देने के लिए मसाला, थोड़ा सा धनिया, काली मिर्च 4-5, और आधा चम्मच जीरा, थोड़ा सा लहसुन का कली, और आधा इंच का एक अदरक का टुकड़ा। इसको मसाला बना लेते हैं। ये देखिए दोस्तों इसका 6 सीटी हो गया, इसको खोल के देखते हैं अभी। ये देखिए दोस्तों कितना अच्छे से पक गया है दाल। अब इसको छौंका लगाएंगे। दाल फ्राई करने के लिए बड़ी चम्मच में 1 चम्मच तेल दिए। ये देखिए दोस्तों इसको बोलते हैं 5 फ़ोरन, जो मैं दिखाया था ना। कभी भी दाल बनाएगा ना इसका छौंका लगाइएगा, बहुत टेस्टी होता है। देखिए इसको दे दिए 5 फ़ोरन, 2-3 तेज पत्ते, इसमें देखिए लहसुन का कली 3-4 दाना, और दाल में ऐसा अदरक बारीक करके काट के फ्राई करिएगा, टेस्टी बहुत होता है। इसके बाद कड़ी पत्ता, हरा मिर्च 3 है, सूखा मिर्ची 4 है, छोटे छोटे देखिए लहसुन हो गया, ये मीडियम साइज का 2 कांदा ले लीजिए, 2 कांदा डालें। थोड़ा सा ये नींबू डाल दिए, 3 डालने से उसका खुशबू अलग अच्छा आता है, टेस्ट ज़्यादा होता है। ये देखिए दोस्तों हमारा कांदा हो गया है, ज़्यादा कांदा भी पकाएंगे नहीं, हल्का पिंक पिंक हो गया। इसमें हम ऐड करेंगे जो पिसा हुआ अदरक लहसुन, थोड़ा सा जीरा, धनिया का पेस्ट, उसको कश्मीरी मिर्च पाउडर, कश्मीरी मिर्ची का 1 चम्मच, हल्दी पाउडर 1 छोटी चम्मच, 1 चम्मच तीखा मिर्ची पाउडर 1 चम्मच, देखिए देखिए टेस्ट हो गया। जो हम टमाटर जो मिक्सर में पीस के रखे हैं उसको ऐड करते हैं मसाला में। इसमें अभी नमक ऐड करते हैं दोस्तों, स्वाद अनुसार दाल में नमक दिया हुआ है, इसका स्वाद अनुसार नमक देंगे। इसको हम टमाटर को 2 मिनट पकाएंगे अच्छे से, मसाला लगा लगा के 2 मिनट पकने के बाद इसके ऊपर दाल छोड़ेंगे। ये देखिए दोस्तों टमाटर 2 मिनट हो गया पक के, अभी इसमें हम दाल को डालेंगे।
देखिए दोस्तों, दाल कितना अच्छा बन के तैयार हो गया। अभी ये इस कुकर में थोड़ा सा दाल बचा है, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, उसमें मिक्स कर दें। देखिए दोस्तों, अब एक चम्मच गरम मसाला दे देते हैं इसमें। तो कस्तूरी मेथी और क्रश करके इसमें डाल देते हैं स्वाद के लिए। ये देखिए दोस्तों, चना का दाल बन के रेडी हो गया है। रेसिपी कैसा लगा है दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर रेसिपी अच्छा लगे तो मेरे लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा रेसिपी कैसा बना है। और एक बार ज़रूर ट्राई करके खाइएगा, चपाती रोटी भात भाकरी सबके साथ खा सकते हैं इसको। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।